हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आप सभी के लिए आ रही है। एसएससी सीजीएल 2018 जिसका टीयर 3 का रिजल्ट बहुत लंबे समय से अवेटेड था, वो आ चुका है, डिक्लेयर कर दिया गया है एसएससी के द्वारा। तो हम उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ है रिजल्ट के बारे में। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2018 सीजीएल का रिजल्ट, जो कि बहुत लंबे समय से अवेटेड था, वो जारी कर दिया है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने आगे टीयर 3 का रिजल्ट जो जारी किया है उसके बाद कहते हैं, एज पर द नोटिस, कैंडिडेट्स हु स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज फिक्स्ड बाय द कमीशन इन टीयर 3 विल बी एलिजिबल टू अपियर इन स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 एग्जामिनेशन। यानी कि टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 के स्कोर को मिलाकर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके आधार पर सीपीटी और डीईएसटी में बच्चों को बुलाया जाएगा। अब कैंडिडेट्स जो कि टीयर 3 के लिए क्वालिफाई किए हैं डबल एओ की पोस्ट के लिए, उसका कट ऑफ कितना, उसके कितने कितने लोग गए हैं, तो देखिए जो आपका एससी का कट ऑफ गया है वो गया है 602, एसटी का कट ऑफ गया है 586, ओबीसी का कट ऑफ गया है 656, यूआर का 686, अदर्स का गया है आपका ओएच का गया है आपका 574, एचएच का 475, अदर पीडब्ल्यूडी का 285। इसके अलावा जेएसओ की पोस्ट के लिए जो यूआर का कट ऑफ गया है वो गया है 584, ओबीसी का कट ऑफ गया है 560, एसटी का कट ऑफ गया है 454 एंड एससी का कट ऑफ गया है 484। इसके बाद में इन्होंने बात करी है टीयर 3 यानी कि जो कॉमन लिस्ट है, लिस्ट 3 आपकी, जिसमें डबल एओ और आपके जेएसओ को छोड़ के बाकी पोस्ट के लिए हो रहा है, तो यूआर की कट ऑफ इसमें गई है आपकी, यूआर की कट ऑफ इसमें गई है 539। कितनी गई है? 539। तो 539 आपकी यूआर की कट ऑफ गई है यहाँ पे आपके सीपीटी के लिए। इसका मतलब 539 जित लोगों का स्कोर है उन लोगों को टीयर 3 के लिए बुलाया गया है, लिस्ट 3 का नाम है आपका। इसमें ओबीसी की कट ऑफ गई है 520, एसटी की कट ऑफ गई है 439 एंड एससी की कट ऑफ गई है 467। ठीक है, इसके बाद में बात होती है आपकी, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ आपका लिस्ट 3 आपकी यहाँ तक जारी हो जाती है। एंड इसके बाद लिस्ट 4 आपकी आती है, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर इन टीयर 3 फॉर द डीईएसटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये लोग जो हैं ये सीपीटी के लिए बुलाए जाएंगे। सीपीटी जो है कुछ चुनिंदा पोस्ट के लिए होता है, और लिस्ट 4 जो है वो डीईएसटी के लिए है, यानी कि जिसमें बाकी पोस्ट के लिए डाटा एंट्री का टेस्ट होता है। तो इसमें जो यूआर की कट ऑफ गई है वो गई है 512, और ओबीसी की कट ऑफ गई है 477, एसटी की कट ऑफ गई है 407 और एससी की कट ऑफ गई है 431। तो कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई गई है आपकी, इंक्लूडिंग टीयर 3 है ये, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ टीयर 2 के बाद है, इंक्लूडिंग टीयर 3 है, तो ये कट ऑफ काफ़ी हाई है। लेकिन इससे अच्छा ये है कि अब आपका डायरेक्ट सीपीटी और डीएसटी होगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी टोटल लिस्ट गई है। इसके बाद इन्होंने कैंडिडेट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि जो कि टीयर 3 क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, चाहे उनका लिस्ट 1 2 3 4 किसी में भी नाम हो। और सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा इसी तरीके से, जो लिस्ट 4 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं उनको डीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। सो दिस इज द लिस्ट 1 किसके लिए, लिस्ट 1 एंड 2 में जिसका नाम है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, लिस्ट 3 में जिनका नाम है उन्हें सीपीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, लिस्ट 4 में जिनका नाम है उन्हें डीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके आज के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है आज की न्यूज़ से। कुल मिला के आपका क्रक्स ये है कि सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट आ गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, एक लंबे समय के बाद आया है। अगर आप लोग मेरे अनअकैडमी पर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश आपका लॉन्च हो चुका है, जो कि 5 अक्टूबर से शुरू होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस का कोर्स है, 26 अक्टूबर से शुरू होगा। लूसेंट की पॉलिटी की समरी है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का कोर्स है, जो कि एसपी बख्शी पे बेस्ड होगा आपका। इसके अलावा क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोर्स है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पैरा जंबल्स का कोर्स है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एरर डिटेक्शन का कोर्स है, जो कि कल से चालू हो रहा है। इन सारे कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं, जो कि है AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। तो यूज़ करिए इस रेफरल कोड को, उसके बाद मेरे ये जितने भी कोर्सेज आपको यहाँ दिख रहे हैं इन सभी को ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। जो भी सीरीज इस वीडियो पे चैनल पे चल रही हैं वो आपको आगे अगले महीने में कंटिन्यू मिलेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।